जनपद पौड़ी में निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके चलते जिलाधिकारियों को निकाय में प्रशासक का जिम्मा सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा, नगर पालिका पौड़ी में उप जिलाधिकारी सदर प्रशासक के रूप में कार्य करेगी, जबकि नगर निगम कोटद्वार में प्रशासक का कार्य वह खुद देखेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनपद के सभी निकाय में तैनात प्रशासकों की बैठक बुलाई जाएगी, वहीं निकाय में व्याप्त समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चौहान ने कहा कि पौड़ी में बंदरों की समस्या के अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने, गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश भचेती की रिपोर्ट। नगर पालिका के जो चार्जेस हैं वो SDM और स्पेशली पौड़ी नगर पालिका का चार्ज SDM के पास में, और जो नगर निगम है उनका जिलाधिकारी को उसके लिए प्राधिकृत किया गया। तो हमारी मुख्य जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रे एनिमल्स पे जो कंट्रोल किया जाना है, मंकी मेनस है, थर्ड स्ट्रीट लाइट्स हैं उन एरियाज में जो कि वल्नरेबल पॉकेट्स है या जहाँ आपका लेपर्ड का का मूवमेंट रहता है, तो उन सारे एरियाज को हम लोग देखेंगे। प्लस आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरीके से कम किया जाना है, या पौड़ी की अगर हम बात करें तो जो हमारी DPR है जिसमें हमें जल्दी से जल्दी जो डंपिंग जोन का लेगेसी वेस्ट भी हटाना है और प्रॉपर तरीके से उसका वो किया जाना है निस्तारण, तो उसके संबंध में DPR को जल्दी अप्रूव करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।